gözlerine dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş sarılıp hayallerine uç hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la. मेरे दो सपने हैं, एक मशहूर राइटर बनना और दूसरा गैलापागोस जाकर बस जाना। वो कहाँ है? सिर्फ वही जानते हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं। खूबसूरत गैलापागोस में, वो जगह जहाँ मैं जिंदगी के आखिर तक रहना चाहती हूँ। ये शायद आपको पागलपन लगे, पर सपने देखना बुरी बात तो नहीं है। ये हमें अपनी जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से दूर रहने में मदद करता है। जीवन की कठोर जबरदस्त, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कभी तो मुझे अकेला छोड़ा करो। जबरदस्त, तुम बार बार एक ही जोक मार के थक नहीं जाती सने? मेरा नाम मुजफ्फर है, याद रखा करो। वैसे क्या कर रही हो? मैं अपनी नॉवल लिख रही हूँ। क्या तुम मेरे बारे में लिख रही हो? मेरे बारे में लिखा करो। तुम्हारे बारे में नहीं, मैं अपने बारे में लिख रही हूँ। अब से मेरे बारे में भी लिखा करो, क्या पता मेरे बारे में लिख के तुम एक मशहूर राइटर बन जाओ। तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब आपसे? तुम समझ गई हो, नाटक मत करो। मैं कुछ नहीं समझी, क्या चाहिए तुम्हें? दूध अभी लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे आज दूध नहीं चाहिए। आज शाम फैमिली के साथ घर आने वाला हूँ। ठीक है, तुम लगभग हर शाम ऐसा करते हो। नहीं, पिछली बार जैसा नहीं, इस बार कुछ और चीज है। जबरदस्त, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, सीधे बताओ क्या चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ। आज हम तुम्हारे घर आएंगे और हम तुम्हारे लिए फूल लाएंगे, चॉकलेट लाएंगे और बहुत सारे गिफ्ट भी लाएंगे। तुम समझी नहीं, तुम्हारे घर में आज शाम हम दोनों की शादी की बात होने वाली है। शादी की बात? तुम और मैं, हम। टाइम आ गया है। क्या मेरी मॉम को ये सब पता है? बिल्कुल सनम, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कल आ जाओ। क्या वो पागल हो गई है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे इंसान है, नहीं इज्जतदार फैमिली है तुम्हारी। क्या वो सच में बकरे की बलि देने वाले हैं? बकरा? ओह मॉम, यहाँ 5 मिनट के लिए रुको, सिर्फ 5 मिनट के लिए। देखो मैं 15 मिनट रुक सकता हूँ, तुम जा कर रही हो। अरे चीज के पैसे तो लेती जाओ। गॉड, ओ सनीम, दिन के इस समय तुम घर पर क्या कर रही हो? वैसे तुमने इसका दूसरा पैर देखा है? अरे सनीम रुको रुको। मॉम, सनीम, मॉम, मॉम, जबरदस्त अपनी फैमिली के साथ मेरा हाथ मांगने आ रहा है। चलो चाय पिलाओ। मॉम बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त। उसे लग रहा है कि आप उसकी शादी मुझसे करवा दोगे। उसकी मॉम को फोन करो और मना कर दो। फोन कर दूं? मैंने उनसे बात कर ली है और वो यहाँ जरूर आएंगे। और उसे तुम जबरदस्त कहना बंद कर दो प्लीज, उसका नाम मुजफ्फर है। मॉम आप मजाक कर रही है ना, सच बताइए। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल नहीं कर रही।
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, पर तुम मेरी बात मानती ही नहीं, कभी नहीं। मैं नौकरी कर रही हूँ मॉम, किराने की दुकान पर। पहले मेरी बात सुनो, उस दुकान पर दो घंटे बैठने से तुम किराने वाली नहीं बन जाओगी। पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं, अब मेरी बात सुननी होगी और जेवर मुजफ्फर से शादी करनी होगी और उसके साथ जिंदगी बितानी होगी। मॉम, आप तो मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है। तुम्हारे डैड नहीं चाहते कि तुम किराने वाली का काम करो, भले ही वो अपने मुंह से नहीं कहते पर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, किन ख्यालों में खोई रहती हो। इसे देखो, कहती है कि मैं एक राइटर बनूंगी और फिर अलाप यू जाऊंगी। गलापागोस नाम है उस जगह का। हाँ हाँ, जानती हूँ, गबागलोस। मैं तो बहुत थक गई हूँ और इस घर में कोई मेरी मदद भी नहीं करता। मॉम, मॉम सुनो तो। सुनो, इसका दूसरा पैर काट। इस वक्त मुझे कुछ मत पूछो। मॉम, आपने भी अभी उसे जबरदस्ती बुलाया। तुम्हें ये सब पता है ना, कैसी फैमिली है मेरी, मेरे लिए जीते जी गड्ढा खोद रहे हैं। मॉम की शिकायत है कि तुम कभी भी अच्छी नौकरी पाने में सक्सेसफुल नहीं हुई और एंड में किराने की दुकान में लग गए। तुम मुंह बंद रखो, अपनी बहन को देखो और इससे इंस्पिरेशन लेकर लाइफ में आगे बढ़ो। कितनी सक्सेसफुल है ये। थैंक यू मॉम। ठीक है, मान लिया कि ये परफेक्ट है और मैं नहीं। आप लोग मुझे इग्नोर करके सच में नाश्ता कर रहे हैं? तो तुम चाहती हो कि हम नाश्ता भी ना करें, क्योंकि तुमसे शादी करने के लिए लड़कों की कतार लगी है ना गेट पर। हाँ। सिर्फ जेवर सेट है जो तुमसे शादी करना चाहता है, मुजफ्फर, और ये शादी होकर ही रहेगी। हद हो गई, ये कोई बुरा सपना है, कोई खौफनाक सा सपना। मेरे डैड इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। डैड, डैड, मुझे लगता है इसने यकीन कर लिया। अब आया पहाड़ के नीचे, अब तो शादी करनी पड़ेगी। अभी उसे रोको, तुम्हारे डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। रोको, चलो। डैड, डैड, क्या हो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, इतनी जल्दी किस बात की? हाँ बताओ मुझे। डैड, आप सच में मेरी जबरदस्त से शादी करवाएंगे? जबरदस्त से? बिल्कुल हाँ, देखो मुझे, मैं कितना खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, शादी तो करनी ही चाहिए। डैड, जबरदस्त से नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। हाँ तो क्या खराबी है उसमें, उसके पास अच्छी नौकरी है, तहजीबदार। हाँ, है, बिल्कुल सही कह रही है। तुम मुझे देख लो, तुम अपनी मॉम को क्यों देख रही हो? तुम मुझसे बात कर रही हो ना, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। पहली बात तो ये, वो हमारे पड़ोसी है, एक अच्छे इंसान और एक जेंटलमैन भी। वो हमारी इज्जत भी करता है और पोलाइट भी है, हमसे हर ओकेजन पर मिलने आता है, छुट्टियां हो, सेलिब्रेशन हो। तुम फिर अपनी मॉम को देख रही हो, मुझे देखो, मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। अब जल्दी से तुम भी हो जाओ, चलो। मुझे पता है आपने ही डैड को भड़काया है। डैड, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बात खत्म हो गई है। डैड प्लीज, मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। डैड प्लीज सुनियो तो सही। ठीक है चलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर मैं सकते। क्या कर रहा हूँ मेरी बेटी, हमने कुछ करने का वादा किया था और हम वो पूरा करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? सनी, मेरी बहन, तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा पति काम करेगा और तुम घर संभालोगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है इसीलिए ना। तो मैं ढूंढ लूंगी, इतना मुश्किल नहीं है, आप मुझे जानते हैं ना डैड। इनफैक्ट मैं अभी जाकर देखती हूँ। देख रही हो ना ये क्या हो रहा है, मुजफ्फर का परिवार आने वाला है आज रात। नहीं, वो कल आ रहे हैं। आयसन ने मुझे फोन करके पूछा कि वो आ सकते हैं या नहीं, और मैंने कहा कि हाँ, वो सालों से हमारे पड़ोसी हैं, बिल्कुल हम अपनी बेटी की शादी जेबसेट से नहीं करेंगे। तो? शायद वो इस बात से घबरा कर एक अच्छी सी नौकरी तलाश कर लेगी, और निहात मैं नहीं चाहती कि तुम इस किराने वाली नौकरी में उसे सपोर्ट करो। ठीक है, समझ गया, अब तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी आवाज़ मुझे अजीब लग रही है, तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी, और अब मुझे थकान भी हो रही है। हमारी शादी को इतने साल हो गए पर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है मुझे पता ही नहीं। सनम मेरी बहन, अरे तुम तो बच गई यार। पता है जबर सेठ शादी कर रहा है, तुम्हारे दुकान के सामने मिठाई बांट रहा है। बच गई मैं, वो मुझसे ही शादी कर रहा है। क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल सीरियस हूँ, मेरे परिवार वालों ने मुझसे बिना पूछे इस शादी को मंजूर कर लिया है, जबरदस्ती शादी। मुझे तो अभी नौकरी करनी थी। क्या बात कर रही हो, चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढते हैं, कोई कसाई या सब्जी वाले से भी बात कर सकते हैं। सनम, वो मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि मैं अपनी ही दुकान में काम कर रही हूँ। तुम समझ नहीं रही हो, मुझे एक फैंसी जॉब करना है।
तो तुम उस अजीब स्कूल से ग्रेजुएट हुई हो। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढेंगे सनम। एक मिनट, बस एक मिनट सनम, तुम्हारी बहन उस दिन कह रही थी ना कि उसके कंपनी में कोई असिस्टेंट की जरूरत है। हम उस कंपनी में चलकर बात कर सकते हैं, हो सकता है वो तुम्हें नौकरी पे रख ले। पर मेरी बहन कभी नहीं मानेगी। कोशिश तो कर सकते हैं। नहीं मानेगी। ऐसे कैसे नहीं मानेगी वो? हाँ मान सकती है। हाँ बिल्कुल मान सकती है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे बाय। एक मिनट रुको सनम, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? क्यों, क्या हुआ? मेरा उनसे बात करना जरूरी है। उन्होंने मेरा कर्जा नहीं लौटाया और अब वो कह रहे हैं कि वो किश्तों में लौटाएंगे। सनम तुम ही बताओ इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। एक मिनट, मेरे डैड ने किस लिए कर्ज लिया? क्या मैं उनसे बात कर सकता? नहीं कर सकते। पहले मुझे बताइए, उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, उन्हें डायबिटीज है और हाई ब्लड प्रेशर और उन पर कर्जा भी है। क्या मैं उनको एक पल के लिए मिल सकता हूँ? नहीं आप नहीं जा सकते। एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए मैं जॉब ढूंढ रही हूँ और जॉब मिलते ही लोन ले लूंगी और आपके सारे पैसे चुका दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए हलील भाई। ठीक है ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक हफ्ता देता हूँ, ज्यादा नहीं। अगर तुमने नहीं चुकाया तो मैं कोर्ट जाऊंगा, बस यही कर सकता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। अब तक तो मेरी मॉम और बहन ने मिलकर सारा नाश्ता भी खत्म कर लिया होगा। ऊपर वाला तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। तुम अपना खाना एंजॉय करो निहत। डैड तुम दुकान पर क्यों नहीं रहती? हर 5 मिनट में यहाँ आ जाती हो। उसकी फिक्र मत कीजिए, जबरदस्त है ना दुकान पर। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी प्यारी मॉम, मेरे प्यारे डैड और मेरी चिड़चिड़ी बहन। अगर मुझे अच्छी जॉब मिल गई तो आप मेरी शादी जबरदस्त से नहीं करवाएंगे? हाँ, है ना? बिल्कुल सच है। हाँ ऐसा ही है। तो ठीक है, जरा यहाँ देखिए, इसमें लिखा है कि दीदी के ऑफिस में जॉब वैकेंसी है। बकवास बंद करो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है बताओ जरा। हाँ बताओ क्यों ठीक नहीं है? वो एक अच्छी नौकरी है और मैं कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम एक अच्छी लाइफ जीना नहीं चाहती क्या? तुमको तो एक सक्सेसफुल राइटर बनना था ना, तो हम तो दुखी लोग हैं। मैंने सोच बदल ली। अब मुझे सिर्फ एक अच्छा जॉब चाहिए। चलो मुझे ऑफिस ले चलो। सनम तुम पागलपन बंद करोगी? वो एक वेल नोन एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। डैड लैला। मॉम ऑफिस में मेरी इज्जत है, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। वहाँ पे मेरी इम्पोर्टेंट पोजीशन है। इतनी पढ़ाई? सुनो तुम एक सेक्रेटरी हो, मैनेजर नहीं। स्टॉप इट। लैला तुम्हारी बहन काम करना चाहती है, उसकी हेल्प करनी चाहिए तुम्हें, उसको सपोर्ट करना चाहिए तुम्हें। उसकी बहन नहीं हो क्या तुम? हेल्प करो उसे। लेकिन डैड इसमें मैं क्या मतलब तुम? अगर तुम्हारी ऑफिस में तुम्हारी इज्जत है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। क्यों मैं विवेक, सही कहा ना तुमने? खुद कहा ना कि तुमने कहा कि तुम वहाँ बहुत खास हो, तो ले जाओ अपनी बहन को वहाँ पर और मिलवा दो उन सबसे। मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है वो मेरे साथ आ सकती है, पर वो वहाँ बकवास करेगी। मुझे पता है उसे कौन एक्सेप्ट करेगा। हाँ, कैसे करोगी तुम? ऐसे। मेरा मतलब है तुम उनसे क्या कहोगी जब वो तुमसे सवाल पूछेंगे? पता नहीं, जो आएगा वो बोल दूंगी। मुझे यकीन है तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। मेरे पास नहीं पर तुम्हारे पास है। ओ कितना अच्छा है, क्या लाइफ है। डिस्गस्टिंग। तुम कितनी डरावनी हो, तुम्हें पता भी है। और तुम बहुत प्यारे हो। बैठ जाओ बैठ जाओ। लैला अगर तुम उसकी बहन हो तो ये साबित करो और उसकी मदद करो। ठीक है तुम ऊपर वाले की खातिर चलो, तुम्हारी वजह से मुझे देर होगी। देखो अपना बर्ताव सही रखो, मुझे शर्मिंदा मत करो, समझी? क्या यही वो जगह है? हाँ यही है। ओह ये कितनी बेरंग सी जगह है, अब मैं समझी कि तुम इतनी बोरिंग इंसान क्यों हो। यहाँ रहोगी तो ऐसी ही होगी ना? तुम्हें सीरियस काम का कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हारे सपने किराने वाले दुकान और घर के बीच में दब गए हैं। अरे जल्दी आओ ना, उनके सामने जरा ढंग से बात करना। ठीक है तुम कहो तो मैं बात ही नहीं करूंगी।
तो फिर आप यहाँ क्यों आई है मैडम सैनम? तुम्हें ढंग से बात करनी पड़ेगी। तुमने खुद इस नौकरी के लिए जिद की थी। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, मुझे शर्मिंदा मत करो, सब अच्छे से करना। ओके हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। देखो इन्हें, यहाँ सब उदास है। उफ, ये कॉर्पोरेट लाइफ। सनीम ठीक से बैठो। तो तुमने इससे पहले सिर्फ 3 हफ्ते काम किए हैं। देखिए मैं आपको सच बताती हूँ, मैं किराने की दुकान संभालती थी और सच बता रही हूँ मैंने वहाँ बहुत टाइम तक काम किया है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने सीवी में सब कुछ ऐसे बढ़ा कर लिखते हैं, पर मैंने सब ऑनेस्टी से लिखा है। आप इसकी मॉम हैं? ऊपर वाला इसकी रक्षा करे, बहुत ही हैंडसम है ये, पर उसे यहाँ मत लाना। यहाँ लाएंगी तो सारी लड़कियाँ उसकी दीवानी हो जाएंगी और उसे छोड़ेंगे ही नहीं। मेरी बेटी है, काफी सुंदर भी है। मैं कैसे समझती, उसके होंठों के ऊपर बाल भी है। वैसे हो भी सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अब सनम चुप रहो। हेलो मिस्टर एमरे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लैला, मेरा भाई आ गया क्या? मुझे नहीं पता मिस्टर एमरे, मैं इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस में हूँ और मेरी बहन नौकरी के लिए अप्लाई कर रही है। क्या कहा तुम्हारी बहन? हाँ, उसे एप्लीकेशन देनी थी। अगर वो तुम्हारी तरह मेहनती है तो फिर हमें इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। मिसेस शर्मा से कहो कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें, मेरी तरफ से उसके लिए हाँ है। सच, थैंक यू। आप बहुत ही अच्छे हैं मिस्टर एमरे। थैंक यू वेरी मच। सनीम, मेरी बहन भी दिल से आपको थैंक यू कहना चाहती है। वैसे लैला, मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ, वो फाइल्स तैयार रखो जिस पर हम काम कर रहे हैं। ओके सर। तुम्हारे एंट्रेंस डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं और मिस्टर एमरे ने भी मंजूरी दे दी है, इसीलिए तुम्हारा पहला महीना ट्रायल पीरियड होगा। ट्रायल पीरियड? कैसा ट्रायल पीरियड? हैव अ नाइस डे मैम, थैंक यू। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे बताओ तो सही, मैं यहाँ काम करूंगी या नहीं? करोगी सनम, करोगी, लेकिन तुम कोई सुपरस्टार तो नहीं हो। मिस्टर एमरे को लगा तुम मेरी तरह मेहनती हो, इसलिए जॉब पे रखा। सनम, बस यही एक वजह है, प्लीज ढंग से पेश आओ, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपना बर्ताव सही रखो। मैं तुम्हें शर्मिंदा क्यों करूँ? वैसे भी मैं यहाँ काम ही करने आई हूँ। तुम चिल्ला क्यों रही हो? Have a nice day, ma'am. चलो। कितनी बोरिंग जगह है ये।
सनी माय डियर, मैं उस कमरे से कुछ फाइल्स लेने जा रही हूँ, तुम मेरे लिए यही रुको, ठीक है? मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटे। क्या बात है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तो नहीं, इसे देखो, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ है, मैगजीन के कवर पेज पर, साल की बेहतरीन एडवर्टाइजर। कितनी चालाक है ये, हमारे सारे कस्टमर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। डैड आप बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, वो सिर्फ मामूली मर्चेंट्स थे। उसने उनके लिए अपने एक विज्ञापन के साथ पुरस्कार जीता, वो चोर है, चोर, तुम समझ रहे हो? चोरी चोरी होती है, रकम छोटी हो या बड़ी। डैड वो चैरिटी का काम था इसलिए उसे वो मिल गया, छोड़िए ना। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखो हमारे बीच में एक जासूस है जो एलन को हमारे सीक्रेट कैंपेन के बारे में जानकारी देता है और उसे काम मिल जाता है, वरना वो अपना बिजनेस इतनी आसानी से नहीं बढ़ा सकती। डैड मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, बात यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है? बहुत हुआ। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे दर्द हुआ। मेरा वजन बढ़ गया क्या? सच में ठीक हूं? जान कहां है? मैं उसे कब से फोन कर रहा हूं पर वो उठा नहीं रहा। करते रहो, शायद उठा ले। हेलो भाई, कहाँ हो तुम? हाँ मैं बस आ रहा हूँ। अरे कहाँ हो, कब आ रहे हो? अरे मैंने कहा ना आ रहा हूँ, अचानक इतना मिस क्यों कर रहे हो? हाँ मैंने बहुत मिस किया। हाँ सीधे मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ। सनी क्या तुम चलोगी? चलो भी, सुनो हम मिस्टर एमरे के कमरे में जा रहे हैं, तुम थैंक यू कहना और कमरे के बाहर निकलकर ठीक वहीं पे मेरा इंतजार करना, तुम समझी? क्या कहा? मैं समझी नहीं, फिर से कहो। समझी या नहीं समझी? समझ गई। चलो आजा। हेलो मिस्टर अजीज, मिस्टर एमरे, देरी से आने के लिए माफी चाहती हूँ। आओ सुनो सर, ये रही फाइल्स। मुझे जॉब देने के लिए थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तुम्हारी बहन ही है ये सनम, लैला की बहन, इसने आज से यहाँ पर काम शुरू किया है। तुम्हें कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिली है? जो सबसे छोटा होगा वो। तुम्हारी बहन बहुत फनी है लैला। थैंक यू। हाँ मिस्टर एमरे। लैला सुनो, डायरेक्टर से कहो कि डी बैंक के जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको स्कैन करें और मुझे भेज दें। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। डी बैंक, इस महीने उन्होंने लाइफस्टाइल, होम डेकोरेशन, आर्किटेक्चर और फैशन मैगजीन में एड्स दिए। तुम्हें ये कैसे पता? सेनेम की फोटोग्राफिक मेमोरी है, वो कभी नहीं भूलती कि उसने क्या देखा है, हालांकि इससे अब तक उसका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। क्या तुमने ये मैगजीन पढ़ी? हाँ पढ़ी है। बताओ फैशन पेज पर क्या है? एलएफ गुलार।
कौन से पेज पर? 46। क्या तुम्हें यकीन है? सही कहा। अब से तुम मैगजीन चेक किया करोगी। ओह, अब मेरे पास ऑफिशियल जॉब है। और वैसे तुम इनवाइटेड हो 40th ईयर सेलिब्रेशन पार्टी में। हमारे सारे स्टाफ इनवाइटेड है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। चलो सनम, चलो चले। और हाँ, पेज नंबर 77 पर एरिसिन यूजर का एक अच्छा आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा। हम इसे नहीं रोक सकते। आपसे फिर मिलती हूँ, बाय। देखो क्या वो सही बोल रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब क्या है? यहाँ पे एस्प्रो नहीं है, व्हाइट चॉकलेट मोका खत्म हो गई है, हम सबको फिल्टर कॉफी पिलाते हैं। प्लीज, मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आएगा। जे जे, कैसे हो माय लव? बढ़िया। तुमने देखा जो मेरे पीछे खड़ी है? नया स्टाफ, तुम उसका ख्याल रखो और कुत्ते की तरह उसे काम करने दो। तुम कुछ भी कर सकते हो, और अगर उसे कोई गलती होती है तो डायरेक्टर को बता दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारा हुनर। तो हम बात करें? हाय, मैं सनम हूँ। हाय, मैं चंगेज हूँ और लोग मुझे जे जे कहते हैं। हम एक ही टीम से हैं, सनम। हम यहाँ पर हर तरह का बिजनेस करते हैं। ओके ओके, गुड। तो गर्ल्स, लिफाफे तैयार हैं? ठीक है जे जे, लाओ। मतलब इस पूरे ऑफिस में ये सबसे नीचे वाला डिपार्टमेंट है ना? नहीं, और भी नीचे है, सबसे नीचे है। वो बड़ी आसानी से हमसे उम्मीद छोड़ देंगे और फिर तुम रास्ते पर खड़ी होगी। समझ गई? समझ गई। ये लो। थैंक यू। और ये तुम्हारा भी। तुम लैला को कैसे जानती हो? मैं उसकी बहन हूँ। फिर तो प्यार भी होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पपीता पेड़ पर लटके लटके पक जाता है, वैसे ही बिल्कुल पकाव है वो। समझ रहे हो ना आप? बड़ा बढ़िया जोक था, मुझे पसंद आया। हाँ, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत अच्छी लगी। ये लो दोस्तों, अपना वो अपने पास रखना, आगे पास कर देना। ये तुम भी पास करो, आज 40th ईयर सेलिब्रेशन पार्टी है। खैर, मैं तुम्हें हमारे सिस्टम के बारे में सारी जानकारी दे देता हूँ। देखो, वहाँ पर है हमारे बिग बॉस मिस्टर अजीज, समझ गई? और उनके साथ है मिस्टर एमरे और मिसेस डेरन। एमरे फाइनेंस संभालते हैं और मिसेस डेरन क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए, मतलब सारे कैंपिंग्स मिसेस डेरन के कंट्रोल में है। सारे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और ग्राफिक डिजाइनर उनके लिए काम करते हैं। गुलिस मिस्टर अजीज की असिस्टेंट है, वो सब जानती भी है और सुनती भी है, बहुत प्यारी लड़की है। हेलो, मैं सनम हूँ। हेलो, मैं गिलीस। यू वेलकम। थैंक यू। हाँ, एक मिनट है गुलिस। और एक है मिस्टर जान, फिल्म के लीड मेल कैरेक्टर, वो दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर हैं। वो मिस्टर अजीज के दूसरे बेटे हैं। हेलो 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 सर। हेलो सर। वे सारी दुनिया में घूमते हैं और पिक्चर्स लेते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने उनकी खींची हुई तस्वीरें देखी। लोग कहते हैं कि वो बड़ी खतरनाक जगहों पर जाते हैं। खैर, मुझे तुम्हें ऑफिस के बारे में और भी बातें बतानी है, और यहाँ काम कैसे होता है, यहाँ पे लोग कैसे हैं। जे जे, एक मिनट। हाँ, कौन है? एक मिनट आया। कैन, तुम कब आए? थैंक यू सो मच। वैसे इतने दिन तुम कहाँ थे कैन? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम काफी शानदार लग रहे हो। थैंक्स अगेन। क्या वो लोग अंदर हैं? हाँ, वो अंदर हैं। मैं कुछ ही देर में फ्री हो जाऊंगी, तब मैं। देखो, मिस्टर जान वो जा रहे हैं। कहाँ गए वो? जी जी। हाँ बोलो। मैंने सुना कोई नया स्टाफ आया है। मेरे साथ आओ जी जी। ठीक है। और तुम भी आ जाओ। सनम, सनम, तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा दूसरी वाली, तुम भी आओ। भागो भागो। ठीक है, पर मेरा नाम है, शायद तुम्हें याद होगा, सनम।
यहाँ एक क्रॉस बना दे। नहीं नहीं रहने दो, यहाँ पर अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। ओ डैड अच्छा। कितने हैंसम लग रहे हैं आप। ओ, मेरे बेटे मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हेनरी कैसे हो तुम? और ये बालों का क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये सूट बो टाई सब। हम शहर में रहते हैं और शहर में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तुम जंगल में रहते हो ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनते हो। मुझ पे टॉन्ट करा है। क्या तुम सच में कंबोडिया में थे? क्रापी में था। इतना कमाल का एडवेंचरस प्लेस था कि आने का मन नहीं था मेरा। क्यों नहीं? अगर यहाँ पर 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन नहीं होता तो तुम तो यहाँ आते भी नहीं। आज 40th ईयर है, आज ही के दिन कंपनी बनी थी। माय गॉड, आप तो फिर भी एक डूड की तरह हैंडसम और कमाल लग रहे हैं डैड। मैंने बोटॉक्स लिया है। टैक्सीडो तुम्हारे लिए, आज तुम्हें ये पहनना है। डैड ये मैं नहीं करने वाला, आपको भी पता है 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है, तुम के ऐसे कपड़े पहनोगे? डैड इसे कुछ समझाओ ना। देखो ये सूट वूट मुझे बहुत बोरिंग लगता है। सही कहा ना डैड? कल सुबह मुझे तुम्हारी वापसी के बारे में टाइम पर नहीं बताया गया, वरना मैं ट्रिप डिले कर देता। कोई बात नहीं डैड, मैं 2 दिन में लौट जाऊंगा, आपसे फिर कभी मिलूंगा। 3 महीने का वेकेशन आपके लिए अच्छा होगा डैड। अब मैं इतना फुर्तीला नहीं रहा, बहुत जल्दी थक जाता हूँ मैं। फिक्र मत करो, मैं यहां हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, मैं चलता हूं, बाद में मिलता हूं। रुको 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 रुको, देखो हमें अपने कपड़ों का शो ऑफ करना है भाई, चलो। हाँ बिना डैड जाइए जाइए। ये रहे मेहमानों की लिस्ट आज रात के डिनर के लिए। तुम सबको एक एक करके फोन करोगी और उनसे बात करोगी, समझ गई? हाँ समझ गई। क्या हो रहा है? पता नहीं, चल के देखते हैं। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। हाँ, किसको सेल्फी चाहिए? हाँ चलिए लाइन में लग जाइए, जल्दी जल्दी। वो है मिस्टर जान। कहाँ? वो रहे ना, मुझे नहीं दिखे, कहाँ है जीजी? चलो अब यहाँ टाइम बर्बाद मत करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं, चलो। ठीक है। पर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मिस्टर अजीज ने आपको इनविटेशन भेजा है, वो कितने अच्छे हैं। आप आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं आना है तो मत आओ, चिल्लाओ मत। जे जे यहाँ काम कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया मिसेस डैरन। मिसेस डैरन, आज की रात बहुत ही खास है मिस्टर अजीज और हमारी एजेंसी के लिए। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और जे जे तुम मिस्टर अजीज, मिस्टर एमरे और मिस्टर कैन के टुक्सिडोस को ओपेरा हॉल पर भेजो, ठीक है? जी बिल्कुल। और ये सारे एक्नॉलेजमेंट लेटर्स अभी लिफाफे में डालो और तुम इन सब पर स्टिकर्स लगाओ, ठीक है? बता चुकी हूँ मेरा नाम सनेम है, ऐसा लग रहा है कि किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रही हूँ। जे जे क्या हमारी नई स्टाफ अपने काम से खुश नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं ओपेरा हॉल जा रही हूँ। और हाँ जे जे तुम्हें याद दिला दूँ, अहमद एरगुआन का टेलीफोन नंबर ढूंढो और मुझे मैसेज कर दो, मैं उन्हें खुद फोन कर लूँगी। 0572228190। तुम ये कैसे जानती हो? एक बार देख कर मुझे याद हो जाता है। तुम तो कमाल की लड़की हो, कैसे किया ये सब? अच्छा चलो मैसेज भेजो। क्या नंबर था जरा बताना। ये सब ठीक है, तुम रिपोर्ट्स बनाओ और सिस्टम में अपलोड कर दो, ठीक है? हाँ मिस्टर एमरे, मैं तुरंत कर देती हूँ। बाय द वे लैला सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तैयार हो जाओ, मैं जल्दी जनरल मैनेजर बनूंगा। क्या क्या आप बॉस बनोगे मिस्टर एमरे? हाँ क्यों नहीं,
मेरे डैड बाहर जा रहे हैं, मेरा बड़ा भाई कभी कभी आता है, तो और कौन बन सकता है? तुम जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनोगी, फाइनेंस डायरेक्टर की नहीं। मिस्टर एमरे मैं बहुत खुश हूँ, पर गुलीज है ना, वो है ना अभी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की। अभी वो एक टैलेंटेड लड़की है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम किसी से कुछ मत कहो। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सर। सुनो प्लीज, उनसे कहो गाड़ी निकालें। हाँ तो डैड चलिए चलते हैं। हाँ जान, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, क्यों ना तुम यहीं सेटल हो जाओ। कम ऑन डैड, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूं। मुझे एक कमाल का ऑफर मिला है जिसमें मुझे पूरी दुनिया घूमना है, मुझे ये करना पसंद है, बल्कि वो नहीं जो आप कह रहे हैं, आपको पता है। हाँ मैं जानता हूँ, पर एक सीरियस वजह है। एक्चुअली कंपनी की हालत ठीक नहीं है। लेकिन कैसे, क्या हुआ? हमरे की एक्स गर्लफ्रेंड हेलेन, उसने एक नई एजेंसी खोली है। हाँ पता है, हमने नया कैंपेन शुरू किया था, फिर मुझे पता लगा कि उसने नकल कर ली है। मैंने डील कर ली, इससे पहले कि हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें उसने उनके साथ डील कर ली। यहाँ कोई तो ऐसा जासूस है जो उसे यहाँ की खबर देता रहता है। मेरी 40 साल की मेहनत सब खत्म होता नजर आ रहा है मुझे। हेमरे ने क्या कहा इस बारे में? वो अब साथ में नहीं है, पर उसे नहीं लगता कि यहाँ उसका कोई जासूस है। और अब मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ तुम कंपनी संभालो। मैं उस जासूस को ढूंढ नहीं सका, शायद तुम ढूंढ पाओ। कम ऑन डैड, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हेमरे यहाँ सालों से है। हेमरे वो इसे सफल नहीं कर सकता, ये सच है। वो फाइनेंस में अच्छा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, हम जानते हैं। देखो इससे पहले भी तुमने कई सालों तक काम किया है। डैड वो सालों पहले की बात थी। ठीक है, पर अभी ना मत कहो, एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोचो, मेरे लिए, इस कंपनी के लिए सोचो। बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है डैड, आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। ओके ठीक है, तुम टाइम लो लेकिन इसके बारे में सोचो। लेकिन बेटा याद रखना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं आता हूं डैड। शाबाश मेरे शेर। हाँ चलते हैं। हाँ चलो। हाँ माँ, उसने कहा कि मैं जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनूंगी। हाँ थैंक यू मॉम, मुझे कैसे पता? वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है, उसे लगता है वो काम कर रही है। पर हम सनीम के बारे में बात कर रहे हैं, ये किराने वाले की दुकान नहीं है। आपको याद नहीं है उसको उसकी पिछली वाली नौकरी से 2 घंटे में निकाल दिया गया था और उसे कोई अकल नहीं है। मॉम से बात कर रही हो तुम? मेरे बारे में गॉसिप कर रही हो? मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ क्या? ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। मेरे बारे में गॉसिप करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं है। मैं तुमसे भी खुलेआम कहती हूँ, क्या ये सच नहीं है? क्या तुम्हें 2 घंटे बाद नौकरी से नहीं निकाला गया था? मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे लगा कि वो चोर है पर वो कस्टमर निकला, वरना मैं उसे लात नहीं मारती। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है ना सनम? तुम्हें लगता है मैं जो भी करती हूँ सिर्फ गलत ही करती हूँ, है ना? क्या तुम मेरी नजर से देखकर थोड़ा सा समझ नहीं सकती? पॉसिबल ही नहीं है, तुम तो परफेक्ट हो ना, तुम जो भी करोगी सिर्फ सही ही करोगी। मेरी इज्जत है यहाँ, मैं डिस्ग्रेस नहीं होना चाहती। तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ कि तुम्हें इतनी इज्जत दूँ। वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ, पूरा दिन बैठकर मेरे पैर सूज गए हैं, मैंने इतने घंटे कभी काम नहीं किया। तुम्हारे लिए अच्छा है, काम करो। Thank you.
Güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.